सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की रुचिरा के तृतीय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें आपका सबसे पहले जो प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, कि आपको उच्चारण करना है। यहाँ पर आपके संख्यावाची शब्द लिखे हुए हैं, इनका आपको उच्चारण करना है। संख्यावाची की वीडियो मैंने आपकी प्लेलिस्ट में भी इजी ट्रिक में बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। वहां से भी आप अपनी संख्याओं को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने इन शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। विंशति ही, विंशति का जो अर्थ है वह आपका 20। त्रिंशत, त्रिंशत का अर्थ है 30। चत्वारिंशत, चत्वारिंशत का अर्थ है आपका 40। द्वाविंशति ही, द्वाविंशति का अर्थ है आपका 22। आपको इस प्रकार आपकी संख्याएं समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं आपका इनके सामने इनकी संख्याएं भी लिख देती हूँ, उसके बाद हम इनका उच्चारण करेंगे। अब संख्या लिखने के बाद हमें आपको इनकी हिंदी समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने इनकी हिंदी आपको सामने लिख दी है, इससे आप समझ जाएंगे। हम केवल अपने संस्कृत वाले ही जो हमारी संख्याएं हैं उनका उच्चारण करेंगे। इनको हम इस रूप से ना करके इस प्रकार पहले कर लेते हैं। विंशति ही, द्वाविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही, अष्टाविंशति ही, नवविंशति ही, ये आपकी इनकी हिंदी लिखी हुई है जो हमने संख्याओं के रूप में देख रहे हैं। त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, यहाँ आपकी इनकी हिंदी है। चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, पंचाशत की हिंदी और आपके संस्कृत का उच्चारण दोनों ही यहाँ पर आपको करके लिखकर दिखा दिए हैं। आप इनको याद करिए और आपकी संख्या वाली जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप उसको एक बार जरूर देख लें। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, कि जो ये आपके नीचे लिखे हुए प्रश्न है इनके उत्तर लिखो। यहाँ पर इनके उत्तर आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको यदि आपकी शिक्षिका एक पदेन में उत्तर लिखने के लिए कहती है तो आप इस प्रकार इनके उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपकी शिक्षिका इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने के लिए कहती है तो मैंने वह अपनी अलग से कॉपी में लिखे हुए हैं, वह भी मैं आपको अभी समझा दूंगी। क्योंकि यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लिखा है एक पदेन या पूर्ण वाक्यन, यह यहाँ पर निर्धारित नहीं है। आप इनको एक पदेन वालों को यहाँ पर देख लीजिए और पूर्ण वाक्यन में ही मैं आपके ये वाले प्रश्न आपको समझा दूंगी। यह मैंने आपके पूर्ण वाक्यन के रूप में आपके प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखकर दिखाए हैं। यहाँ पर आपके जो उत्तर लिखे हुए थे वह एक पदेन के अनुसार थे, लेकिन पूर्ण वाक्यन में आप अपने कैसे अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे यह आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर आपका उत्तर होगा और जो आपके शेष बचे हुए शब्द हैं वह आप अपने उत्तर में इसी प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, ये किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। यह आप अपने पाठ को पढ़ चुके हैं, यदि आपने अपना पाठ अभी तक नहीं पढ़ा है तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपका यह पाठ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद अपने प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। श्री कंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के घर पर सभी प्रकार के सुख साधन थे, यह आपका पूर्ण वाक्य है। यदि आपकी शिक्षिका एक पद में आपका उत्तर लिखने के लिए कहती है तो आप केवल श्रीकंठस्य शब्द लिख सकते हैं। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था। यहाँ पर आपका यदि आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दे रहे हैं तो आप यहाँ से देंगे, क्योंकि यहाँ जो मैंने कृष्ण मूर्ति लिखा हुआ है यह आपका उत्तर गलत है, क्योंकि आपके प्रश्न में आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है प्रश्नवाचक, तो इसका उत्तर भी आपका षष्ठी विभक्ति के शब्द में ही होगा जो आपका कृष्ण मूर्ते है इस रूप में है। कृष्ण मूर्ते है ग्रहे कोपि भृत्य है नास्ति, कृष्ण मूर्ति के घर पर
कोई भी नौकर नहीं था। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिस विभक्ति और जिस वचन में आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी विभक्ति और उसी वचन में आपको अपना उत्तर देना होता है। यदि आप कृष्णमूर्ति ही लिखते हैं तो वह उत्तर आपका गलत होगा। एक पदेन में भी यदि आपसे पूछा जाता है तो आप कृष्णमूर्ते है इसका उत्तर देंगे। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के आकुर्वन, श्रीकंठ का जो आतिथि सत्कार है वह कौन करते हैं? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च आकुर्वन, कि श्रीकंठ का जो अतिथि सत्कार है वह कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता करते हैं। यहाँ पर एक पदेन में आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। यह वाली लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक एक पदेन वाले प्रश्न में आ जाएगी। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ होता है? सर्वदा स्वालंबम सुखम, कि हमेशा अपने आप कार्य करने में ही या अपने सहारे में ही सुख होता है। यदि आप एक पदेन में इसका उत्तर देंगे तो कुत्र के स्थान पे आप स्वालंबन लिखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो मैं आपका अंडरलाइन कर रही हूँ। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम कदा आगच्छत, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब आया था? श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम प्रातः 9 वादने आगच्छत, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर पर सुबह 9 बजे आ गया था। तो आपका यदि एक पदेन वाला उत्तर रहेगा तो प्रातः 9 वादने जो आपका शब्द है यह आपका उत्तर में आ जाएगा। कृष्ण मूर्ते कति कर्मकारा संति, कृष्ण मूर्ति के कितने कर्मकारा यानी कि नौकर हैं, कृष्ण मूर्ति के पास कितने नौकर बताता है। यह आप अपने पाठ में पढ़ ही चुके हैं कि कृष्ण मूर्ति अपने पास अपने 8 नौकर बताता है, वह कौन कौन से हैं यह अपने पाठ को आप पढ़कर पता कर सकते हैं। कृष्ण मूर्ते अष्टौ कर्मकाराः सन्ति, कि कृष्ण मूर्ति के 8 नौकर हैं। यहाँ पर यदि आपकी टीचर एक पदेन में आपका प्रश्न करने के लिए कहती है तो आप अपने अष्टौ वाले शब्द को इसके उत्तर में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके एक पदेन और पूर्ण वाक्यन दोनों ही तरह से आपके ये प्रश्न उत्तर आपको समझा दिए हैं। जैसे आपकी स्कूल की शिक्षिका आपको करने के लिए कहती है आप उसी के अनुसार करेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 3 है, चित्राणि गणित्वा तद अदहा संख्यावाचक शब्दम लिखत, कि आपको यह जो चित्र दिए हुए हैं इनको आपको गणना करनी है और उनके बाद इनकी नीचे संख्या लिखनी है। यह कार्य किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी जैसे गणना करेंगे आप देख लीजिए एक बार गणना करके, एकम द्वे त्रीणि चतुर्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश। तो आपकी गणना करने के बाद ये जो संख्याएं होंगी यह आपकी अष्टादश संख्याएं हैं जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इसी प्रकार आप इनकी भी गणना करेंगे तो यह आपकी एक विंशति ही संख्या है, यह आपकी पंचदश संख्याएं हैं, इसी प्रकार यह आपकी षट त्रिंशत संख्याएं हैं। इनकी गणनाएं आप स्वयं करिए जिससे आपकी अपनी संख्याओं की भी गिनती आपको याद हो जाएगी। यहाँ आपके कुछ अन्य चित्र भी हैं उनकी भी आप गणना अपनी संस्कृत में करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी जो यह कर्तनी है यह आपकी चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24 है, यह संख्या भी मैंने आपकी लिखी हुई है। और यह आपके जो पत्रम है वह आपके त्रयश त्रिंशत है। इनकी गणना आप संस्कृत में करिए, आप बार बार गणना करेंगे तो आपका ही संख्याओं पर अभ्यास होता रहेगा और आप अपनी संख्याओं को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या आपकी 4 है, मंजूषा तह अंकानाम कृते पदानि चिनुत, यहाँ पर आपको एक मंजूषा दी हुई है और नीचे आपके ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको आप संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे या इन संख्याओं का जो संस्कृत रूप है वह क्या है यह आपको अपनी मंजूषा में से चुनकर लिखना है। यहाँ पर आपकी कुछ संख्याएं इस पेज पर दी हुई है, शेष आपकी जो संख्याएं हैं वह आपके अगले पृष्ठ पर दी हुई है, आप अभी इनको देख लीजिए, अगले पृष्ठ पे हम फिर देखेंगे। जैसे ये आपका 28 जो संख्या है
इसके लिए हम अपनी मंजूषा से प्रयोग करेंगे अष्टा विंशति ही, या मंजूषा से चुनकर हम इनको यहाँ पर भर देंगे। ये आपका 27, सप्तविंशति ही 30, 30 में जो आपका होगा त्रिंशत, आप अपनी यहाँ मंजूषा से चुनकर यहाँ पर भर सकते हैं। 31, 31 में आपका है एक त्रिंशत, एक त्रिंशत आपका यहाँ पर आपकी मंजूषा में दिया हुआ है। अगले वाले पृष्ठ पे हमें अपनी मंजूषा दिखाई नहीं देगी, उसके लिए हमने पहले ही यह कार्य किया हुआ है। आपको अपनी जब संख्याएं याद हो जाएंगी तो आपको अपनी मंजूषा की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह आपकी शेष संख्याएं हैं 24, 24 को आप संस्कृत में चतुर्विंशति कहते हैं, 40, 40 को आपका चतुर्विंशत, और 50 का आपका पंचाशत। यह आपकी संख्याएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 5 है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा तः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। ये आपको चित्र देखकर अपनी इस मंजूषा से वाक्यों की रचना करनी है। ये आपके 3 चित्र दिए हुए हैं, इनमें आपके इसी प्रकार यहाँ पर शब्द भी लिखे हुए हैं, इनसे आप अपने वाक्यों को बनाने का अभ्यास करेंगे। इसका कार्य इस बच्चे ने किया हुआ है, वह हम अभी देखते हैं। यहाँ पर इस बच्चे ने यह कार्य किया हुआ है, तो आप इनके वाक्य को देख लीजिए। एषः कृषकः अस्ति, यह किसान है। कृषकः क्षेत्रं कृषति, जो किसान है वह क्षेत्र को जोत रहा है। एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः, यह जो दो किसान है खनन कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहले दो वाक्य हैं वह इस वाले किसान के बारे में है, और जो आपका यह वाला वाक्य है यह आपका इस वाले चित्र के बारे में है। कृषकः धान्यं रोपयन्ति, जो किसान है वह धान का रोपण कर रहे हैं, यह आपका इन वाले किसान के बारे में है। इसमें आप ध्यान देंगे कि पहले वाक्य में आपका एक वचन यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यहाँ जो आपका द्विवचन की बात हो रही है तो दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, और अंतिम जो आपका वाक्य है यह आपका बहुवचन का वाक्य है। इसमें कर्ता भी आपका बहुवचन का है और क्रिया भी आपकी बहुवचन की है, तो ये जो आपकी बात हो रही है यह बहुत सारे किसान या व्यक्तियों के बारे में हो रही है। यहाँ से आपको आपके वचनों का विज्ञान इन्होंने कराया है। प्रश्न संख्या 6 आपकी, अधोलिखितान समय वाचकान अंकान पदेशु लिखत। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो नीचे लिखे हुए आपके संख्यावाचक अंक हैं उनके सामने आपको उनके पद लिखने हैं। यह कार्य भी किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए कि आप अपने समय को संस्कृत में किस प्रकार कहेंगे। जैसे आपका यहाँ पर समय है 10:30, तो हम हिंदी में इसको 10:30 कहते हैं, लेकिन इसको संस्कृत में हम बोलेंगे 10:30। 7 बजे को आप कहेंगे 7:00। जैसे ही आपका 2:30 बजने का समय होता है तो उसको आप संस्कृत में कहेंगे 2:30। 11 बजे को 11:00। 4:30 को 14:30, और 1:30 बजे को आप 1:00। इस प्रकार अपनी संस्कृत में आप समय को बताएंगे। यहाँ पर जैसे आपका 5 बजे का समय हुआ है तो आप इसको संस्कृत में 5:00 कहेंगे। 3:30 को 3:30, 9 बजे को 9:00, 12:30 को 12:30, 8 बजे को 8:00, और 7:30 बजे को आप 7:00 समय कहेंगे। इस वाले प्रश्न से आप अपने समय ज्ञान को सीखेंगे कि हम अपने संस्कृत में समय को किस प्रकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, मंजूषा तः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये आपकी जो मंजूषा दी हुई है इनमें से आपको अपने पदों को चुनकर यहाँ पर अपनी रिक्त स्थानों में भरना है। यह आपको समझ लेना है, क्योंकि जब तक आप अपने वाक्यों की हिंदी नहीं जानेंगे तो आप अपनी मंजूषा से भी सही शब्द चुनकर नहीं भर सकते। वैसे यह कार्य आपका मैंने किया हुआ है, यहाँ पर भी आपकी संख्याएं मैंने लिखी हुई है। जैसे ऋत्वाः भवन्ति, ऋतुवे होती हैं। ऋतुवे कितनी होती हैं यह आपको मालूम है कि आपकी 6 ऋतुवे होती हैं, तो आप अपने 6 ऋतुवः भवन्ति इस प्रकार वाक्य पूर्ण कर लेंगे। मासाः भवन्ति, जो महीने होते हैं वह कितने होते हैं,
तो आपके 12 महीने होते हैं, तो आप अपने द्वादश यहाँ से लेकर इसमें वाक्य भर के, वाक्य बनेगा मासः द्वादश भवन्ति, कि 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे त्रिंशत् अथवा एक त्रिंशत् दिवसः भवन्ति, कि 1 महीने में आपके 30 अथवा 31 दिवस होते हैं। दिवस का अर्थ होता है दिन। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, कि फरवरी मास में सामान्य रूप से 28 दिन होते हैं। यह जो आपकी संख्याएं हैं, यह आपकी मंजूषा से ही मैंने भरी हुई है। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। यहाँ आपको आपके जो भी संख्याएं भरी गई हैं, यह आपकी मंजूषा में मैंने आपके कर्म संख्या भी लिखी हुई है, आप वहाँ से भी देखकर इनको कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ध्यातव्यम लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि ध्यान दीजिए। भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतुनाम च नामानि, भारतीय वर्ष के जो अनुसार महीने होते हैं उनमें कौन कौन सी ऋतु होती है उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने 12 भारतीय जो महीने होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और किन महीनों में आपकी कौन सी ऋतुएं होती हैं यह इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि महीने आपके 12 हैं और ऋतु आपकी 6 हैं, तो हर 2 महीने की आपकी एक ऋतु होती है। तो हम इनको यहाँ पर समझ लेते हैं। चैत्र बैसाखा, जो आपके चैत्र और बैसाख वाले महीने हैं उसमें आपकी वसंत वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ अषाढ़, इन 2 महीनों में आपकी ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण भाद्रपद, इन 2 महीनों में आपकी वर्षा वर्षा ऋतु होती है। अश्विन कार्तिक, अश्विन और कार्तिक के महीने में आपकी शरद शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पोष, मार्गशीर्ष और पोष के जो महीने इन्होंने बताए हैं उसमें आपकी हेमंत हेमंत जो ऋतु है वह होती है। माघ फागुन, माघ और फागुन के महीने में आपकी शिशिर शिशिर ऋतु होती है। आप अपने भारतीय वर्ष के अनुसार अपने महीनों के नाम भी याद कर सकते हैं, और किस महीने में आपकी कौन सी ऋतु आती है यह भी आपको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो आपकी जनवरी फरवरी महीने हैं यह है आपके विदेशी या हम कहें कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। आपके जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार आपके महीने के नाम है वह आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।